हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल यू थिंक न्यू आइडिया। मैं रुपेश शर्मा आज जो टॉपिक करने वाला हूँ, स्पेशली अगर बोलूँ दोस्तों, आज कोई टॉपिक है नहीं, आज स्पेशली उन लोगों के लिए वीडियो है। आज उसी चीज को समझेंगे। तो हमेशा बोलते रहते हैं कि फेल हो गया फेल हो गया, उन्हीं लोगों के लिए होगा, क्योंकि फेलियर इज द लाइफ ग्रेट टीचर। अपने लाइफ में फेलियर से बड़ा कोई टीचर नहीं होता है, क्योंकि जब भी इंसान फेल होता है, अब उसमें समझने वाले का अलग अलग अपना अपना मेंटलिटी होता है, अपना अपना थिंक होता है। एक फेलियर होता है जो उससे कुछ सीखता है, और एक फेलियर होता है जो हमेशा के लिए फेल हो जाता है, जो किसी काम का नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि लाइफ में ऑलवेज फेलियर कुछ सीखने के लिए होता है, ना कि फेल होने के। तो आज इसी चीज के बारे में समझेंगे। तो नमस्कार, आप अगर इस चैनल पर नए आए हुए हो, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। तो आज जो समझने वाले हैं, आज बहुत ही एक जो खैरगढ़ बात बोलूं तो यार, जाने माने नाम की आज बात करेंगे, जिसको अगर बात से तो कुछ नहीं बोल सकते यार, उस इंसान ही अपने आप में लाजवाब है, अल्टीमेट है। ठीक है, आज उसी इंसान के बारे में बात करेंगे जो इस अंधेरे में भी क्या बोलूं, उसने जो इस लाइट वाइट का जो भी आविष्कार किया, उसका नाम तो आप लोग जानते ही होंगे, थॉमस एल्वा एडिशन। आज उन्हीं के बारे में जानेंगे कि आखिर वो बंदा क्या था और क्या क्वालिटी था उस बंदे में कि आज भी, मतलब कि समझ लो कि लॉन्ग टाइम हो गया उस बंदे का इस दुनिया से गए हुए, फिर भी आज भी उस बंदे को याद किया जाता। उस बंदे के अंदर क्या कैपेबिलिटी था, उसने ऐसा क्या किया जो अभी भी उस चीज को याद किया जाता है। क्योंकि आपको मिल ही जाता है कि खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाना है, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, खाली हाथ आते जरूर है, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं होता। अपना नाम, अपना ब्रांड यहाँ पे रिप्रेजेंट करके जाना होता है। अगर रियलिटी लाइफ का मतलब समझो तो यही होता है। तो आज उसी इंसान के बारे में जानेंगे जिसको सारा दुनिया जानता है, क्योंकि उसी ने बल्ब का आविष्कार किया था। वो बंदे में क्या क्वालिटी था, वो बंदा स्टार्टअप क्या था उसका, बचपन से क्या था और अंत तक जाते जाते क्या था। ठीक है, आज इसी के बारे में जानेंगे और उसी बंदे के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो उस इंसान के बारे में जानते हैं, क्योंकि उसने बहुत बड़ा बड़ा काम किया, तो उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देता हूँ। उसने बल्ब का आविष्कार किया, फोनोग्राफ का आविष्कार, लैंप का आविष्कार किया, इटीसी, बहुत सारा ऐसा चीज है जिसने उसने बहुत सारे ऐसे चीजों का आविष्कार किया। और उस बंदे का जो कहानी है ना, बहुत ही अल्टीमेट है। जब वो, क्योंकि अपने सदी का, अपने टाइम का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट रह चुके हैं एल्वा एडिशन, जिनका पूरा नाम है थॉमस एल्वा एडिशन। रियलिटी समझो तो उस बंदे में इतना कैपेबिलिटी था अपने टाइम में, जब उसका टाइम था, उस टाइम हॉल ऑफ फेम फॉर ग्रेट अमेरिका 1960 में अमेरिका के द्वारा इनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो समझ सकते हो कि उस टाइम का कितना बड़ा साइंटिस्ट है, और उन्हीं के बारे में जानेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं कि जो लाइफ में एक बार फेल हो जाते हैं तो बोलते हैं यार मैं अपने लाइफ में फेल हो गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया, एनीथिंग, बहुत सारा एक्सक्यूज बना देंगे कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, मैं आगे कुछ करने वाला हूँ नहीं। लेकिन एक जीत, वो ऐसा इंसान था जो अपने लाइफ में 10,000 बार फेल हो चुका था। इस चीज के बारे में बाद में जानेंगे कि क्या और कैसे है, क्योंकि उस इंसान का स्टोरी बहुत ही लाजवाब है। अगर क्लियर में समझा जाए तो जो थॉमस एल्वा एडिशन था, बचपन में जब वो अपने स्कूल टाइम का स्टूडेंट था, उस टाइम वो मंद बुद्धि था। ठीक है, मतलब अगर क्लियर कट समझो तो उसके पास जो बुद्धि था थोड़ा कम था, और वो पढ़ने लिखने में भी अच्छा नहीं था। एक दिन की बात बताता हूँ कि जब वो बंदा स्कूल गया, तो स्कूल में उसके एक टीचर ने उसको एक लेटर दिया, और उसने बोला कि इस लेटर को ले जाके अपने माँ को दे देना। उस बच्चे ने पूरे दिन स्कूल में बिताया, स्कूल से वापस जब आया तो उसने उस लेटर को अपने माँ को दे दिया। उस लेटर को पढ़ के उसकी माँ रोने लगी, उसने पूछा कि ऐसा क्या लिखा हुआ है इस लेटर में जो इससे तुम परेशान हो गई। तो उसकी माँ जो थी, बहुत ही अल्टीमेट जवाब दी उस चीज को। उस माँ ने उसको बताया कि बेटा, इसमें यही लिखा था कि आपका बेटा पढ़ने लिखने में इतना होशियार है और इतना समर्थ है, पढ़ने लिखने में जरूरत से ज्यादा होशियार और जरूरत से ज्यादा समर्थ है, इसलिए मैं स्कूल में इसको नहीं पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि इसके एबिलिटी के अकॉर्डिंग मेरे स्कूल में ऐसा कोई टीचर ही नहीं है कि इस बच्चे को पढ़ा सके।
कृपया करके आप इस अपने बच्चे को किसी और स्कूल में पढ़ाएं। उसकी माँ ने उसको यही जवाब दिया कि इस लेटर में यही लिखा हुआ था। समय बीतते गया, धीरे धीरे समय बीतते गया, जो थॉमस एल्वा एडिसन था धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप वो अपना नाम करते गया, अपना जो भी उसको हासिल करना था, जो भी उसका टारगेट था वो करते गया और अपने टाइम का एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट और बहुत बड़ा वैज्ञानिक बन के जब उभरा, अपने टाइम का एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक बने। उसके बाद उन्होंने बहुत सारा नाम किया, बहुत सारा ऐसा आविष्कार किया, अगर आप उस चीज़ को गूगल करोगे तो बहुत सारा उनके बारे में डिटेल मिल जाएगा कि क्या क्या आविष्कार किए हैं। लेकिन अपन थोड़ा सा उनके रियलिटी के बारे में, उनके लाइफ के बारे में इसलिए जान रहे हैं क्योंकि उनका लाइफ थोड़ा इंस्पायरिंग है, किसी भी बंदे को मोटिवेट करता है, इसलिए उनके लाइफ के बारे में आज जान रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो सबसे पहले तो जब वो अपने सदी के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक बने, किसी वजह से जब वो अपने घर पे आए तो पुरानी जो सामान पड़ी हुई थी, पुरानी जो चीज़ें पड़ी हुई थी, किसी चीज़ की उनकी ज़रूरत थी, जिस चीज़ को ढूंढ रहे थे अपने पुरानी चीज़ों में, तो पुरानी चीज़ों में ढूंढते ढूंढते उनको जो चीज़ चाहिए था वो तो मिली नहीं, बट एक बहुत ही अच्छी चीज़ मिल गई, जो किसी जमाने में कोई टीचर उनको जब लेटर दिया था अपनी माँ को देने के लिए, वो लेटर वहीं पे उनको मिल गया। जब उस लेटर को थॉमस एल्वा एडिसन ने पढ़ा तो उस लेटर में क्या लिखा हुआ था, उस लेटर में यही लिखा हुआ था कि आपका बेटा बहुत ही मंद बुद्धि है, पढ़ाई लिखाई में बहुत ही कमजोर है, बेवकूफ़ है, मैं इसको नहीं पढ़ा सकता हूँ, कृपया करके आप अपने बच्चे को यहाँ से ले जाए और अपने घर पे ही इसको पढ़ाए क्योंकि स्कूल जाने लायक है ही नहीं, क्योंकि बहुत ही मंद बुद्धि, बहुत ही वीकनेस, बहुत ही कमजोर, पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। और उस टाइम में जो उनका एजुकेशन था, क्योंकि अगर रियलिटी समझो तो टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जो बंदा वीकनेस है, जो बंदा पढ़ने लिखने में कमजोर है, ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो बंदा वीक है उसको सबके साथ लेकर चला जाए और उसका वीकनेस को दूर किया जाए, उसको अच्छा से अच्छा एजुकेशन दिया जाए। बट उस टाइम थॉमस एल्वा एडिसन के साथ क्या हुआ कि उनके पढ़ाई में कमजोर होने के कारण, वीकनेस होने के कारण उस बच्चे को स्कूल से निकाल दिया गया और उसकी माँ को बोला गया कि आप इसको घर में ही पढ़ाओ क्योंकि स्कूल में पढ़ने लायक है ही नहीं। तो दोस्त इस चीज़ से मतलब कि आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि जिस बच्चे को स्कूल से निकाला गया अपने बचपन के टाइम में, वो बच्चा आगे चल के मतलब अपने सदी का इतना बड़ा साइंटिस्ट बना। उसके बाद उस बंदे ने, जब उस बंदे का इंटरव्यू हुआ तो बहुत मतलब कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपने पूरे लाइफ में जो चीज़ उसने सीखा ना, वही चीज़ उसने क्लियर किया और बताया कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में क्या सीखा। उस बंदे ने बताया, उसका जो कहीं भी आप सुनने को और देखने को मिल जाता है जो लाइनिंग है, उस चीज़ को मैं क्लियर करता हूँ। एल्वा एडिसन जो था ना, बहुत ही लाजवाब इंसान था, बहुत ही अल्टीमेट बंदा था, वो फेलियर को कैसे बताता था इस चीज़ को जानते हैं और समझते हैं कि मैं कभी असफल नहीं हुआ। उस बंदे ने अपने लाइफ में जो एक बल्ब बना रहा था, उस बल्ब को बनाने में 10,000 से भी ज़्यादा बार फेल हुआ। अपने लाइफ में जितना भी आविष्कार किया, उस आविष्कार के अकॉर्डिंग 10,000 बार फेल हुआ, ठीक है। फिर भी वो बंदा ऐसे बोलता था कि मैं अपने लाइफ में कभी भी असफल नहीं हुआ, जब भी मैं फेल हुआ वहाँ से कुछ सीखा और इस चीज़ के लिए मैं प्राउड फील करता हूँ कि मैं 10,000 तरीका ऐसा ढूंढ दिया जिससे उस काम को नहीं किया जा सकता। आप इस समझ रहे हो कि एक इंसान अपने असफलता को, अपने फेलियर को भी सक्सेस रिप्रेजेंट करता है क्योंकि उसको इस चीज़ के लिए मतलब कि कोई गिल्टी नहीं है कि वो 10,000 बार फेल हुआ। बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे बोलता है कि मैं 10,000 ऐसा तरीका ढूंढ दिया जिससे उस काम को नहीं किया जा सकता। फेलियर बिकम टू सक्सेस, ऑलवेज इस चीज़ को याद रखना, फेलियर बिकम टू सक्सेस, क्योंकि लाइफ एक ऐसा चीज़ है ना, लाइफ में जो सक्सेस होना है फेलियर से ही स्टार्टअप होता है, क्योंकि फेलियर ऑलवेज कनेक्ट करता है सक्सेस को, क्योंकि जो इंसान फेल होता है वो फेल होता नहीं है, क्योंकि बोला गया है फेलियर बिकम टू सक्सेस। सक्सेस आने से पहले फेलियर आता ही है, इसको कोई नहीं रोक सकता और कोई इस चीज़ को झूठ नहीं कर सकता।
ऑलवेज इस चीज का, बहुत सारे ऐसे बंदे हैं, साइंटिस्ट है, जो इस चीज को रिप्रेजेंट कर चुके हैं कि फेलियर बिकम टू सक्सेस, सक्सेस आने से पहले फेलियर को आना ही है। एक बार में कोई इंसान सक्सेस नहीं होता है, तो इसलिए दोस्त अगर लाइफ में सक्सेस होते हो तो वहाँ से हार मान के पीछे हटने का नहीं, हमेशा आगे जाने का और आगे बढ़ते रहने का, क्योंकि फेलियर ऑलवेज कनेक्टिंग टू सक्सेस। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही, आज का टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है, कल फिर मिलूंगा एक नए कंटेंट, एक नए टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स।